बहुत बड़ी इशू आई थी बाइक में, मतलब लिटरली बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बहुत परेशान हो गया था यार। दिन पहले मेरा बाइक बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मुझे फाइनली मतलब बाइक को टो करके लेना पड़ा। तो हुआ यूँ कि मतलब गाड़ी एकदम मक्खन की तरह चल रही थी, लेकिन कुछ दिन के बाद मतलब कम से कम हो गया था एक साल, फिर और 2-3 महीने के बाद बाइक मतलब कभी कभी थोड़ी सी रुक जाती थी, मतलब जैसे पेट्रोल ख़त्म हो जाता था वैसे बाइक रुक जाती थी। सो, उस वक्त मुझे लग रहा था कि शायद मैं पेट्रोल कुछ अच्छा पेट्रोल नहीं डाल रहा था, इसकी वजह से वैसा हो रहा है, मुझे वैसा लग रहा था ना। लेकिन निकला कुछ और, बाइक में प्रॉब्लम आ रही है लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। एक बार बंद हुआ, फिर 2 बार बंद हुआ। ये प्रॉब्लम आने से पहले क्या होता था कि गाड़ी चल रही थी फिर बीच में बंद हो जाती थी, फिर कुछ समय के बाद फिर से गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी, मतलब ऐसे 1-2 बार हो चुका था। फिर तीसरी बार जब गाड़ी बंद हुई तब तो मुझे लगा भाई ये छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस बार गाड़ी एकदम से बंद पड़ गई थी। मैं बहुत कोशिश किया कि कैसे तैसे करके मतलब गाड़ी स्टार्ट हो जाए और मैं जाके सर्विस सेंटर ले जाऊँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे 3 किलोमीटर से मतलब गाड़ी धकेल के अपने घर तक लेना पड़ा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बीच में रास्ता भी ख़राब है और धकेल धकेल के हालत ख़राब। फिर जब मैं अपने घर लाया उसके बाद मेरे से जितना हो पड़ा, मतलब मुझे जितना पता है बाइक्स के बारे में, मैंने वो सब चेक किया, उसका स्पार्क प्लग चेक किया, सब ओके था। रिले 2-2 लगा था पीछे सीट के नीचे, वो भी चेक किया। फ्यूज़ कुछ कट गया होगा शायद सोच के, वो भी मैंने चेक किया। बैटरी भी चेक किया, बैटरी हालांकि मैंने अभी डाला था लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चीज़ था जो मेरे मन में था, मुझे लग रहा था कि शायद वही प्रॉब्लम होगा, और वो है ये है फ्यूल पंप। अच्छा हुआ कि मतलब मुझे मतलब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था उस वक्त और आने के टाइम में ऐसा हुआ। अगर एग्ज़ाम जाने के टाइम ऐसा होता तो मैं बहुत बुरी तरह फंसता, मतलब पता नहीं उस वक्त मैं क्या करता, लेकिन बहुत बुरा होता। फिर सर्विस सेंटर में टेक्नीशियन थॉरली चेक किए, मतलब वायरिंग्स वगैरह सब कुछ चेक किए, बैटरी चेक किए, सब कुछ ओके था। बस मेरा अंदाज़ा सही निकला, फ्यूल पंप पूरा ख़राब हो चुका था। भाई मेरा तो दिमाग ख़राब, 6,000 रुपये का फ्यूल पंप चेंज करना पड़ेगा। फिर क्या था, मुझे ख़रीदना पड़ा बाहर से, क्योंकि टीवीएस शोरूम में वो स्टॉक नहीं था। क्योंकि ये मतलब बहुत रेयर प्रॉब्लम है, मतलब सबका नहीं होता। अब मेरा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी होगा। जितने भी मतलब टीवीएस के ओनर्स हैं, मतलब जो अपाचे 160 हो कि 160 200 310, मतलब मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे, उनका भी फ्यूल पंप ख़राब हुआ है। कोई कोई का तो मतलब 2 महीनों में ही ख़राब हो गया था, और ये मतलब मेजर इशू है। अब मेरा हुआ है, कल का कोई और का होगा, मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है। मतलब टीवीएस वालों ये थोड़ा देखो कि ये इशू आ रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन ये इशू आ रहा है, थोड़ा नज़र डालो। मुझे इतना श्योरली नहीं पता कि ये प्रॉब्लम आया कैसे, मतलब मैंने टेक्नीशियन से पूछा कि मतलब ये होता क्यों है। मतलब मैंने मैक्सिमम यूट्यूब वीडियोस में देखा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है और लोग बस इसको चेंज करवा लेते हैं जैसे मैंने किया है। वो टेक्नीशियन भी मतलब वो ठीक से बता नहीं पा रहा कि मतलब हाँ सर ऐसा है और शायद आप बाहर से पेट्रोल डाल रहे हो, पेट्रोल टैंक फुल नहीं कर रहे हो। भाई मेरा कम से कम बाइक में 4 लीटर से 3 लीटर रहेगा, उससे कम नहीं रख रहा हूँ, फिर भी मेरे बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आया। और हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, टीवीएस
मतलब मैं टीवीएस बाइक चलाता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि टीवीएस का बाइक ऐसा होता है, ठीक है। टीवीएस यू मेड ए अमेजिंग बाइक, बहुत अच्छी बाइक बनाई है, अमेजिंग परफॉर्मेंस है, मतलब मुझे लॉन्ग राइड्स इससे इसके साथ मज़ा आता है। तो बाइक में मतलब ऐसा मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस एक ही प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, वो है फ्यूल पंप। सो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नया टॉपिक नए एडवेंचर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, दिस इज लंबोदर साइनिंग ऑफ।